हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सूजी के कटलेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कटलेट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कप सूजी और उसी कप से नाप करके आधा कप दही। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अब हम इसे 15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख लेंगे। तब तक मैं यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे लिया हमने 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 1, हरा धनिया, और ये मसाले लिए हैं अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर लिए, कश्मीरी लाल मिर्च, और एक गरम मसाला, और ये स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसाले हमने 1/3 स्पून लिए हैं। और यहाँ पे 2 हमने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। तो 20 मिनट इसको रेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे ये हमारा बैटर इस तरीके से हो गया है। अब हम इसमें ये पोटैटो जो हमने रखे थे आलू, इनको मैश करके इसमें डाल देंगे। और ये मसाले और नमक भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने हरी मिर्च 1 की काटी और लाल मिर्च नहीं डाली, इसकी जगह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम एक साथ मिक्सअप कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा आलू प्याज वगैरह जो मसाले थे इनको सब मैंने मिक्सअप कर लिया है। और थोड़ा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला, वो मैं दिखाना भूल गई, तो आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ऑयल गरम हो रहा है और दूसरी साइड से हम ये टिक्की के शेप में इनको बना रहे हैं। अब यहाँ पे ऑयल को चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑयल लगभग लगभग गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके ये कटलेट्स डाल देंगे और इनको बीच में टच नहीं करना। जब एक बार एक तरफ अच्छे से पक जाए तभी पलटना है, नहीं तो टूट सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एकदम से हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। और बड़े ही भी इनका बहुत ही अच्छा आ रखा है। तो इसी तरीके से हम बाकी के कटलेट्स भी बना लेंगे और बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाते हैं और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। आप इनको चाय के साथ ले सकते हैं या बच्चों टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सारे कटलेट्स बन गए हैं और हम जैसे कि आपको दिखा रहे हैं आसानी से बन जाते हैं। और आप भी इसको देख के बना सकते हैं। छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है और कोई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप हो जाए तो छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं और उसी से मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने ये सारे बना लिए हैं। और आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्त, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और बाकी के वीडियोस भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कुछ हमने इनको सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ गलतियाँ वो भी बता सकते हैं जिससे कि हम और इम्प्रूव करें। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।